तो कैसे हो भाई? तो भाई आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आप कैसे ऑफ कर सकते हो अपनी गाड़ी में। तो भाई ये हर गाड़ी में हो जाता है, जिस भी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। तो भाई बहुत से लोगों को सच्चे में नहीं आता है कि कैसे ये ऑफ होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया तो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी ऑफ हो गया होगा, पर भाई ये अलग अलग करने पड़ते हैं। तो भाई मैं इस वीडियो में यही दिखाऊंगा आपको कि व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आप कैसे ऑफ कर सकते हैं। तो एक सेकंड, मैं गाड़ी को मोड़ लेता हूँ, एक सेकंड बस। और ये बंद गाड़ी में ही ऑन करना पड़ता है, और चलती गाड़ी में ये बंद नहीं होते हैं। तो एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ आपको। इधर मैंने रोक लिया गाड़ी, इधर ये ट्रैक्शन का बटन है, इसको एक बार दबाओगे आप तो ये बंद हो जाएगा, ट्रैक्शन ऑफ। अगर आप इसे ही होल्ड करके रखोगे तो 3-4 सेकंड बाद दोबारा से इंडिकेटर आ जाएगा ट्रैक्शन ऑफ, और यहाँ पे ये चल जाएगा। ये होता है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए। अब ये भी ऑफ हो चुका है भाई। इसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट करती है। तो भाई आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई बताना, और कमेंट में बता के जाना कि कैसी लगी वीडियो, और लाइक करना वीडियो को। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।